सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे डिवाइन बाई के बारे में। तो आप लोग जानते हो डिवाइन बाई के साथ करण औजला पाजी का कोलैब आने वाला है, तो उसको लेकर करण औजला पाजी क्या कहे आप लोग खुद देख लो। न्यू एल्बम फीचर्ड ऑन इट करण औजला एक्स डिवाइन। There's not one track, there's not two tracks, there's not three tracks, there's not four tracks, there's more than five tracks. That's what I'm gonna tell you guys. पंज ट्रैक तो बाद ट्रैक ने ते पंजा ट्रैक है थोड़ा भरा शायद डिवाइन बाई की टीम थोड़ी औखी हो जाए बेबी ये किदा वा बी तू दसता पर तुम्हें पता ही है यट डोंट केयर बेबी यट डोंट केयर। आप लोगों ने देखा जैसा कि उन्होंने कहा है डिवाइन बाई के साथ उनका 5 से ज्यादा कोलैब ट्रैक आने वाला है, तो आप लोग इसके लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे कृष्णा भाई के बारे में। तो कृष्णा भाई का रणवीर भाई के साथ जो पॉडकास्ट आने वाला था वो पॉडकास्ट आ चुका है, जिसके अंदर उन्होंने काफी सारे चीजों के बारे में बात करे थे और डिस कल्चर के बारे में भी बात करे थे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके अंदर एक जगह पे उन्होंने एम ए भाई के साथ कोलैब के बारे में क्या कहा है आप लोग देख लो। बहुत सारे लोग मानते हैं कि शायद एमिवे आपके राइवल है, बट इफ एमिवे कम्स अप टू यू एंड सेस चलो कोलैबोरेट करते हैं, आप कर लोगे? नहीं। क्यों नहीं? आई थिंक दैट शिप इज सेल्ड ऑनेस्टली। अब मतलब वो टू मच हैज हैपेंड फॉर इट टू बी वर्थ नथिंग एट नो पॉइंट। भाई अब नो पॉइंट तो आई कांट से कि फ्यूचर में क्या होता है, क्या होता है, कब होता है, वो तो आई मतलब मैं तो बता नहीं सकता भविष्य। बट यू नो कि अभी एट द मोमेंट इन दिस माइंड स्टेट आई वुड से नो एंड आई फील लाइक हिज आंसर वुड बी द सेम। ओके सो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही, मिलता है सर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।